एक वायरलेस कंट्रोलर का अनबॉक्सिंग। ये इवोफॉक्स नाम का एक ब्रांड से आता है और एलाइट एक्सपीसी इसका नाम है। और ये एकदम एक्सबॉक्स के कंट्रोलर जैसा ही है। सो जो भी एक्सबॉक्स का कंट्रोलर का स्पेसिफिकेशंस है इसमें है, और इसका कनेक्टिविटी भी लैगलेस है। और मैंने आप देख सकते हैं कि ये ब्रांडिंग और ये पैकेजिंग बहुत मस्त है। ये टोटल तीन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, कि विंडोज़ को सपोर्ट करता है, PS3 को सपोर्ट करता है, और PS3 को सपोर्ट करता है, और एंड्रॉयड में भी OTG लगा के खेल सकते हैं गेम्स। बट आईफोन और आईपैड्स में ये काम नहीं करता है, क्योंकि OTG का जो सपोर्ट है उसमें नहीं मिलता है। मैंने ये खुल के देखा है, वो अच्छा लगा, और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ब्रांडिंग। आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर एकदम डिटो एक्सबॉक्स के जैसा ही है, एक्सबॉक्स के जैसा ही है। और इसमें जो भी बटन्स दिया हुआ है एकदम बहुत अच्छा वाला बटन्स है, कि उसका फील ही बहुत अच्छा रहा है। इन हैंड फीलिंग भी बहुत सही से है, और जो भी गेम खेल सकते हैं वो भी अच्छा ही लगेगा आपको। ये इसका जो भी बटन्स का वो क्वालिटी है एक्सबॉक्स के जैसा नहीं है, बट बहुत अच्छा ही क्वालिटी का है। और इसमें जो भी है जो ये बटन्स है, ये दोनों LT और RT का बटन्स, ये प्रेशर सेंसिटिव वाला बटन्स है। आप जो भी गेम खेल रहे हैं, ऐसा एक रेसिंग गेम खेल रहा है, आपका एक्सेलरेशन करना होगा तो आप धीरे से इसको दबाएंगे धीरे चलेगा, और पूरा दबाएंगे तो फुल मोड में चलेगा। यही है इसका एक एडवांटेज। और इसमें एक टर्बो और क्लियर बटन दिया है। ये टर्बो बटन क्यों दिया है? आप जो भी शूटिंग गेम्स खेल रहे हैं, आप इसको इस बटन को इससे मैप कर दिए, तो ये बटन जब दबेगा शूट होगा। ऐसा बहुत बार दबाना नहीं पड़ेगा, ये एक बटन दबाया तो शूट होने लग जाएगा। दो एनालॉग स्टिक्स है, एकदम बहुत अच्छा से काम करने वाला एनालॉग स्टिक्स, और टाइप सी वाला चार्जर। वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस यही है कि टाइप सी है, सारे से कंपेटेबल है, आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। और ये जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये डोंगल लगाना पड़ेगा। ये इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ नहीं है, ये डोंगल कनेक्टेड ब्लूटूथ ही है। आप इसको अपने PC में कनेक्ट कीजिए और डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के लिए इसको PC से कनेक्ट करना है, जो USB पोर्ट से, और इसको दबाना है। ये सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है जब ये डिटेक्ट करता है इसको, और ये कनेक्शन फटाफट हो जाता है। तो इसको रख देते हैं, और अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर और दो केबल्स दिया हुआ है। ये USB to Type-C केबल है, ये चार्जिंग के लिए है, और कुछ कुछ एंड्रॉयड डिवाइसेस में आप खेल सकते हैं, या क्योंकि ये डोंगल और एक OTG आप एंड्रॉयड फ़ोन्स में लगा दिए तो ये एंड्रॉयड फ़ोन्स में काम करता है। ये उसका स्पेसिफिकेशन में दिया है, ये चार्जिंग के लिए, और ये USB to USB केबल है। ये कब यूज़ होता है? आपको ये डोंगल लगाना है और इसको दूर में रखना है, कि पास में अपना पोर्ट में नहीं रखना है। इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिएगा, और इसको डायरेक्टली ऐसा फिक्स कर दीजिए। आपको सीमलेसली कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा इतना दूर डिस्टेंस में। जो स्पेस का इशू है वो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्यों ये ख़रीदना है? मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत सही बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक ही है बट स्टिल बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। इसमें दो बटन्स दिया हुआ है, ये जो वाइब्रेशन मोटर्स है उसका इंटेंसिटी कंट्रोल करेगा। आप अप कर सकते हैं, आप डाउन कर सकते हैं, आप इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए। और दो इधर मैपिंग बटन्स है, आप जब खेल रहे हैं तो इसको भी मैप करके खेल सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बटन्स भी है, और इसका जो भी इंटरफेस है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, आपको ये क्यों सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि
या जो भी एक्सबॉक्स कंट्रोलर है आपको 4,000 रुपये के आसपास पड़ता है। सो बहुत महंगा है और उतना भी उसमें यूटिलिटीज़ नहीं है। बट इसको क्यों प्रेफर करूँगा कि इसका प्राइस है कि 1,500 के आसपास आता है और इजीली खरीद भी सकता है। जो भी है नॉर्मल स्टफ सब ये काम चला लेता है। और इसका जो भी लाइफ बैटरी लाइफ है कि 8 आवर्स चलता है। मैंने जब तक टेस्ट किया है मतलब 6 आवर्स तक तो आराम से चल जाता है एक एक चार्ज में। सो बैटरी का कोई इशू नहीं है। अगर बैटरी का इशू हो तो भी आप डायरेक्टली इसको चार्ज करके भी खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीटिंग का इशू कुछ नहीं है। सो ओवरऑल इसको क्यों रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसका प्राइस कम है और इसका बिल्ड सही है सब, बाकी जो भी रेड गियर वो वाला कंट्रोलर से।